हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलर हम लोग जारी रखेंगे और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्राइस ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। देखिए, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है इंडिया में दो, इसे जो है ऑफिशियली चुना गया था, उसके बाद में फॉरेन की भी कुछ कंपनियों को यहाँ पर अलाउ किया गया था। तो देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो प्राइस है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसे घटा दिया गया है। और घटाकर कितनी कर दी गई है, 155 रुपीज़, 200, 225 या 250। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 225, यानी कि 225 रुपये में ये वैक्सीन आपको आप जो है किसी भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अवेलेबल है, आप ले सकते हो। एक और बात मैं आपको बता दूँ, प्राइस स्लाइड से याद आया कि नॉट्स की प्राइस को कम कर दिया गया है। जी हाँ, नॉट्स के प्राइस को 399 कर दिया गया है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए। आर्मी पब्लिक स्कूल के नोट्स के दाम इतने कम नहीं हुए थे और अब कम होंगे भी नहीं। और 100 रुपीज में अगर किसी को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो वो 100 रुपये में प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ना वो कितने अरब डॉलर का या कितने बिलियन डॉलर का हो चुका है, 10, 30, 40 या 50 बिलियन डॉलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 50 बिलियन। जी हाँ, 50 बिलियन डॉलर जो है हम लोग जो है एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे कंट्री को क्या करेंगे, बेचेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, वेंकैया नायडू जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं हम लोगों के कंट्री के, उन्होंने जो है कितने एकेडमी अवार्ड दिए हैं। देखिए, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि वेंकैया नायडू ने किसे दिया, तो कितने अवार्ड दिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 66, यानी कि ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू एड्रेस फाउंडेशन डे इवेंट ऑफ गुजरात उमैया माता टेम्पल, यानी कि उमैया माता टेम्पल का जो फाउंडेशन डे है, यानी कि इसे उद्घाटन डे आप समझ सकते हो, स्थापना दिवस समझ सकते हो, किया है किसने किया है। तो देखिए, क्वेश्चन ये आएगा आपका कि ये जो उमैया माता टेम्पल है ना, ये कहाँ पर है, तो ये आपको क्या करना होगा, गुजरात लगाना होगा। और इनोग्रेशन किसके द्वारा की गई है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी इनोग्रेशन की गई है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और यहाँ देख लीजिए, डिटेल में अगर आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल ये जो है ना बिल्कुल लोकल लेवल पे ये मंदिर जो जहाँ पे बनाया गया है वो आप यहाँ से देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी किशन रेड्डी जिन्होंने नेशनल एग्जीक्यूशन ऑफ आर्ट एंड SNA अवार्डी परफॉर्मेंस फेस्टिवल को इनोग्रेट किया, उद्घाटन किया, और कितने, ये जो उद्घाटन था ना ये एग्जीबिशन का, वो कौन सा था, 66, 61, 66 या फिर 62। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 62, इससे पहले 61 हो चुके हैं। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली विच कंट्री विन मेडन, देखिए वो कौन सा ऐसा देश है जिसने मेडन वुमेन डबल और मिक्स्ड डबल टाइटल जो है ग्लासगो में जीता है, आपको उस कंट्री का नाम बताना है, फ्रांस, इंडिया, जापान या ईरान। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे देखिए दो मेडल सिक्योर किए हैं, कौन कौन सा मेडल, मिक्स्ड डबल यानी कि जहाँ पे लड़का और लड़की एक गेम में खेलते हैं, और वुमेन्स डबल यानी कि जहाँ पे दो महिलाएं खेलती है। तो ये जो है अवार्ड इंडिया ने दोनों पे अपना कब्जा जमाया है। यहाँ से देख लीजिए, दीपिका पल्लिकल, अब देखिए ये कौन है दीपिका पल्लिकल, ये DK यानी कि दिनेश कार्तिक, आपने नाम सुना ही होगा दिनेश कार्तिक के बारे में, व्हाट अ कमबैक बाय दिस मैन, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी को भी अगर आप जब गिव अप करने की कोशिश करो तो DK की स्टोरी पढ़ सकती हो। और दीपिका पल्लिकल इनकी वाइफ है, सेकंड वाइफ, तो ये ज़रूर आप देख लें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान एंड विच कंट्री सिक्योरिटी पैक्ट टू सीमेंट डिफेंस टाइस, यानी कि ये दोनों, देखो सीमेंट टाइस का मतलब हो गया कि दोनों अपने रिश्ते को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। जापान किस कंट्री के साथ जो है टाई करना चाहता है, इंडोनेशिया के साथ, साउथ कोरिया, कोलंबिया या फिलीपींस के साथ। तो देखिए, फिलीपींस के बहुत सारे जो आइलैंड है ना उस पे चाइना बोलता है कि ये मेरा है। सेम सिचुएशन जापान के साथ भी है, चाइना दोनों कंट्री पे प्रेशर बना के रखता है कि तुम्हारे ये आइलैंड मेरे कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो फिलीपींस भी चाइना के अगेंस्ट, जापान भी चाइना के अगेंस्ट, तो दोस्त एक्चुअली दुश्मन दुश्मन क्या होते हैं, आपस में दोस्त हो जाते हैं। तो फिलीपींस ने चाइना को, जापान को कहा कि हम लोग दोनों मिलकर टाई करते हैं, एक्चुअली जापान ने कहा था ये बात है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस और जापान टाई करेंगे किसके अगेंस्ट,
चाइना के अगेंस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री कॉल्स फॉर इंटीग्रेटिंग ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, यानी कि देखिए ब्रिक्स का एक अपना पेमेंट सिस्टम होने वाला है, ये आज नहीं तो कल होगा ही। जिस तरह से डॉलर के दाम ना डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं ना, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडिया जो अपना एक पेमेंट सिस्टम बनाएगा जिसमें उसके जो मित्र राष्ट्र हैं, आई मीन जिसके साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय करता है इंडिया, उनके साथ ये रुपी और उस कंट्री के जो जो भी करेंसी होगा उसके साथ ये डील करेंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए ये काम कहा है रसिया ने करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर देखिए बहुत सारा सेंसर यूएसए के द्वारा लगा दिया गया है। ये कंट्री लगभग लगभग ब्रेकडाउन होने के कगार पे आ चुकी है। अगर कुछ दिन ये सेंसर चलता है तो यहाँ के लोग जो है परेशानी में पड़ जाएंगे। तो रसिया ने क्या कहा, यहाँ से देख लीजिए आर्टिकल। रसिया कॉल्स फॉर इंटीग्रेटिंग ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, ये चाहते हैं कि ये जो ब्रिक्स कंट्री है, यहाँ पे आपको ब्राज़ील भी मिलेगा, इंडिया भी मिलेगा, रसिया भी मिलेगा, चाइना भी मिलेगा, साउथ अफ्रीका के भी कुछ कंट्री मिलेंगे, तो ये लोग सब मिलकर एक साथ आना चाहते हैं अबाउट पेमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट, देखिए ये जो एब्रोदोर हैं इन्होंने क्या कहा कि हम लोग रेफरेंडम कराएंगे। अब देखिए रेफरेंडम का क्या मतलब होता है, रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोगों से वोट कराकर किसी भी चीज़ के लिए जो है उनसे उनकी राय, आई मीन उनके ओपिनियन को जानना। फर्स्ट टू काइंड रिकॉल, ये रिकॉल करने वाली बात, यानी कि सपोज कर लो कि आपने एक नेता को जिताकर जो है भेज दिया एमपी या एमएलए के तौर पर, कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, आप इन्हें रिकॉल कर सकते हो, वापस बुला सकते हो। तो ये किस देश के राष्ट्रपति ने कहा है, चाइना के? तो देखिए बिल्कुल नहीं, चाइना के प्रेसिडेंट का नाम ये जो है एब्रोडोर नहीं है, ये तो नहीं होगा, अमेरिका भी नहीं होगा, मेक्सिको या ब्राज़ील में ये होगा। तो देखिए मेक्सिको ने ये बातें कही है प्रेसिडेंट ने कि अगर किन्हीं को अगर कोई काम नहीं कर रहा हो एमपी एमएलए, उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सऊदी अरेबिया अलाउ हाउ मेनी पिलग्रिम्स टू परफ, देखिए कितने हज यात्रियों को इस साल हज करने के लिए जो है अनुमति दी गई है, कितने लोग जाएंगे, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन या 4 मिलियन? तो देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 10 लाख लोग जो है इस बार हज करने के लिए जाएंगे, इनको अलाउ कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया टू अलाउ 1 मिलियन हज पिलग्रिम, यहाँ से आप जो है हज करने के लिए जो टेंपल में जाते हैं उसकी इमेज भी देख सकते हो। और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है, प्लीज़ इसे पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टू साइन द, देखिए ट्रिपलेट एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है डार्क स्काई सेंचुरी के साथ, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ले। पाकिस्तान अलॉन्ग विथ विच कंट्री टू ज्वाइंटली डेवलप द 5th जनरेशन इस्लामिक वर्ल्ड फाइटर जेट टू रिप्लेस यूएस जेट। तो देखिए पाकिस्तान और तुर्की जो है इसको, इसका नाम जो है हाल में ही बदला गया है, तुर्की का नाम तुर्की हो गया है इसका नाम, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है नए नए ये फाइटर जेट बनाएगा, पता नहीं कितना ही ये सफल होगा, देखने वाली बात होगी। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आरबीआई ने ये कदम उठाया है। तो आज के करंट अफेयर्स को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और भी क्लासेस आते रहेगी, कहीं मत जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी का बटन दबा देना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।